हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं चाय पी चुकी हूँ और अभी हो रहे हैं 10 बज रहे हैं। अभी मैंने नाश्ता नहीं बनाया है क्योंकि थोड़ा लेट हो गया। मैं उठ जाती हूँ सुबह जल्दी बट नाश्ता बनाने में लेट हो गया है, तो अभी मैं आलू का पराठा बनाने वाली हूँ। फिर आलू का पराठा बनाने के बाद आप लोग को बताऊंगी मैं कब जाने वाली हूँ हॉस्पिटल। ओके, सो मेरी आलू जो है वो बॉयल हो चुकी है जी, और अभी थोड़ी थोड़ी तैयारियां करनी बाकी है। मोनी अभी उठी है तो अभी गई है वो छत पे नानी के पास। चलो मैं जल्दी जल्दी तैयारी कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। ओके, बाय बाय। सो गाइस, अभी मैंने ना अपनी कढ़ाई रख दी थी गरम करने के लिए, तो अभी वो गरम हो गई है। और मुझे एकदम ना सिंपल तरीके से पराठा बनाना था, कोई मतलब ज़्यादा वो नहीं, और आपको कोई सिखाने का भी इंटेंशन नहीं है, तो मैं पूरी रेसिपी नहीं दिखाऊंगी आपको, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा दिखा दूंगी। तो हम लोग ना मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं खाने के लिए, काफ़ी लोग रिफाइंड ऑयल भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने जीरा डाल दिया है, और जीरा बस जब वो मतलब अच्छे से रेड हो जाएगा तो मैं इस पर अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल दूँगी। मुझे ना पराठे में ये वाला पेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और मैंने इसको फाइन पेस्ट नहीं बनाया है, ऐसी ये जो अदरक कूटने वाला होता है ना, मैंने इस पर थोड़ा सा ऐसी कूट लिया है, तो इससे ना पराठे में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और ये बस पक जाएगा तो मैं इस पर आलू डाल दूँगी और थोड़ा सा हल्दी और नमक डालूँगी, बस इतना ही, और कोई भी गरम मसाले का यूज़ नहीं करूँगी। मेरी मम्मी ने अभी होममेड मसाला डाला, मतलब बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा ही उसे डालूँगी, क्योंकि इस टाइम ना मुझे अभी ज़्यादा गरम मसाले डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे ही मुझे हल्का फुल्का ही खाना था। तो मैंने ना यहाँ पे 1/2 kg आलू के समथिंग मैंने बॉयल किया था, तो उतने में जितने पराठे बनेंगे उतने ही बनाने हैं मुझे। ये 1/2 kg आलू है, और ये नए वाले आलू हैं, अभी नए आलू वाले लगे हैं, तो पुराने जो आलू हैं उसमें थोड़ा स्वीटनेस रहता है और इस वाले आलू में नहीं रहता। नए आलू के पराठे और वो ब्रेड पकौड़े और वड़ा बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और ख़ासकर विंटर में तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, सुबह नाश्ते में गर्मा गर्म। और हमारे MP में तो ये ब्रेड पकौड़े और वड़े वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नाश्ते में खाई जाती हैं। तो बस अभी मैं आलू को पूरा अच्छे से, इसको मैंने मैश नहीं किया था पहले से, तो अभी मैश करूँगी इसको चलाकर। और मैं ना जो मम्मी ने मेरे होममेड मसाला बनाया हुआ था इस पे ना ज़्यादा कुछ नहीं है, बस धनिया और जीरा और काली मिर्च और जावित्री और बड़ी इलायची को मैंने पीस कर रख दिया था, बस वही डाला है। इसी से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है अगर आपको कुछ लाइट वेट चाहिए तो। तो बस अभी मैं आलू को ना अच्छे से मैश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मतलब पहले से मैश नहीं किया था। वैसे भी आलू ईज़िली मैश हो जाता है, और आप अगर कढ़ाई में डाल के आलू को मैश करते हो ना, उसका फ्लेवर अलग ही होता है, क्योंकि वो अच्छे से पक जाती है, और अगर आप पहले से मैश कर लेते हो तो उसको उतना टाइम तक पकाते नहीं हो, तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो बस अभी मेरे आलू हो गया है, और मैंने ना आटा गूंद के पहले ही रख दिया था, तो आटा मेरा बस थोड़ा सा आटा थोड़ी देर पहले आटा गूंद के रख दो ना, तो पराठे वगैरह बहुत अच्छे बनते हैं। सो, अभी बस मैं आलू मेरी हो गई है, तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी,
देखो मैंने सर पे कितना ऑयल लगाया है कि हेड पूरा ये दिखने लगा, तो मैंने इसलिए तेल लगा लिया है क्योंकि अभी मुझे कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, तो वो बिना ऑयल के हॉस्पिटल जाऊंगी ना तो मतलब कि बाल ऐसे पूरे वो हो जाते हैं ना, उलझ जाते हैं। वैसे मेरे इतने थोड़े से बाल हैं ये देखो, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मतलब कि अब बाल में तेल लगा लेती हूँ। सो गाइस अभी ना ये मोनी को च्यवनप्राश खाना है, बहुत खाती है तो अभी है ना, वैसे तो मेरी ना 6 को डेट थी डिलीवरी की और 1 12 को है, तो 6 वाली तो निकल गई, अभी 12 को एक आनी है। अभी देखो क्या होता है, जैसे जैसे डिलीवरी की डेट आगे आती जा रही है मेरी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ना कम होते जा रहे हैं। वैसे तो मेरी फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल हुई थी बट इस बार अभी कुछ भी पेन वगैरह नहीं आया है, तो देखो क्या होता है, जो भी होगा आपके साथ में शेयर करूँगी। और मैंने ना मेरे बेबी के लिए क्या क्या कपड़े लिए हैं मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कपड़े वैसे ज़्यादा नहीं लिए हैं, सिर्फ 2 चीज़ें ली हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, तो ये है बेबी को रैप करने के लिए, ये ऐसा मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। देखिए ये ऐसा है पूरा, ये ऐसा टॉवल जैसा है और इसका ये सर है। मैंने ये वाला इसलिए लिया क्योंकि ना फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे ऑप्शन थे बेबी को रैप करने के लिए, एक में ऐसा पैर बना हुआ था और एक में चैन लगा हुआ था, तो जो रैप करने वाला था वो 1 से 2 महीने आप यूज कर सकते हो अगर आपका बेबी ज्यादा हेल्दी नहीं है तो, उसमें ना बेबी बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहता है जिसमें पैर रहता है। और एक चैन वाला था तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं बेबी को सफोकेशन वगैरह ना हो, तो इसलिए मैंने यही ले लिया। और जब बेबी मेरा बड़ा हो जाएगा ना तो मैं इसको बेबी के लिए एज ए टॉवल भी यूज़ कर सकती हूँ। ये मुझे 2 का पेयर मिला था, एक पिंक का और एक का ये है, एक हाँ एक लेमन ग्रीन है ये, तो मैंने 2 का पेयर इसलिए लिया क्योंकि मेरी मोनी भी छोटी है ना, तो एक उसके लिए एज ए टॉवल यूज करूंगी मैं और एक छोटी बेबी के लिए जो आने वाला है उसके लिए। तो देख सकते हो मोनी कितना सेवानी कर रही है, और बस इधर बैठो आप, इधर बैठ जाओ। और ये मैंने लिया है, ये कौन सा है, ये बेबी हक के ब्रांड का है और ये 3 का पेयर मिला है मुझे, ये वाली ब्रांड, एक ये है। हाँ आप यहाँ पे बैठ जाओ, हाँ, और एक ये रेड है और एक ये है, ये ना प्योर कॉटन का है, वैसे तो ये विंटर में यूज नहीं आएगा बट मैं उसको मतलब बेबी को अंदर से कुछ पहना कर विंटर का इसको ऊपर से पहना सकती हूँ। अभी मैंने बेबी के लिए ये 2 ही प्रोडक्ट लिए हैं क्योंकि ना हमारे यहाँ जब तक बेबी हो नहीं मतलब आ नहीं जाता है तब तक उसके लिए कपड़े नहीं खरीदते हैं। ये देखो मोनी को,
हाँ हाँ इसको पहन के दिखाओ थोड़ा सा, ये देखो कैसे अभी नहीं पहन रही है मोनी। सो गाइस आपने देखा ही है कि मैंने दो ही प्रोडक्ट लिए हैं, वो दोनों मैंने फ्लिपकार्ट से लिए हैं, और प्राइस तो मुझे याद नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम पहले ले लिया था। तो और भी कपड़े मैंने मतलब बुक कर दिए हैं, और बेबी के जो भी प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि ऑयल, मसाज ऑयल, ये सब मैंने बुक कर दिया है फ्लिपकार्ट से ही, मतलब ऑर्डर कर दिया है, उसके आने तक आ जाएगा सब कुछ। तो गाइज कल मेरे हस्बैंड भी मतलब उबली से निकलने वाले हैं। आप लोग बोलोगे उबली कौन सी जगह है, तो उबली है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में उबली में मेरे हस्बैंड की जॉब है, पहले गोवा में थी तो गोवा से ट्रांसफ़र हो गया है, अभी वो उबली में है। तो कल वो निकलेंगे तो 11 को यहाँ आ जाएंगे। तो अगर अभी 11 तारीख तक कुछ भी मतलब पेन वगैरह नहीं आता है तो मैं 12 को उन्हीं के साथ जाऊंगी हॉस्पिटल। हाँ बाबू भूख लगा है, चलो खिलाते हैं। हाँ चलो चलो, पराठा खाना है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो गाइज अभी मेरी बेटी को भूख लगी है, वो सोकर उठी है ना, मैंने उसको कुछ भी नहीं खिलाया है। हाँ बता दो, आ जाओ इधर इधर इधर। अच्छा आओ आओ बेड में। खाना है बाबू को, क्या खाना है? भूख खाया है पेटू में। हाँ पराठा खाना है। हाँ मोनी को छोच पराठा खाना है, तो मैं अभी उसको कुछ खिला देती हूँ। देखो कैसा मुंह बना लिया च्यवनप्राश खा के। तो गाइज अभी यहाँ ठंड भी काफी हो गई है और बेबी को आने में हाँ इसको बंद कर दूँ, मेरी बेटी बोल रही वीडियो बंद कर दो, उसको खाना खिलाऊं। सो गाइज अगर आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और देखिए बाय कर दो, किसी दे दो किसी। सो गाइज बाय, अभी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, और अभी मैं आप लोगों से तभी मिलूंगी जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, यानी कि 11 को जब वो आएंगे ना तभी। सो बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे।